सो हाँ जी, कैसे हो सारे के सारे? तो वापस से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो एसोस ने न्यू लैपटॉप्स लॉन्च करे हैं, 4 नए लैपटॉप्स लाए हैं। स्टूडेंट्स और ऑफिस के लिए मेनली ये फोकस करे गए हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा बैटरी लाइफ मिलती है, पोर्टेबल है, लाइट वेट है, स्लिम है और जो इनकी स्टार्टिंग प्राइस है वो है ₹43,000। इन सब लैपटॉप्स में आपको इंटेल के 11th जनरेशन के न्यू प्रोसेसर मिलते हैं जो अभी इंटेल के लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं। और एसोस ने जेनबुक का सिर्फ 1 लैपटॉप और वीवो बुक के 3 लैपटॉप लॉन्च करे हैं। सब कुछ मैं उनके बारे में बताऊंगा, क्या वेरिएंट्स है, क्या प्राइस है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स बिगिन। पहले मैं आपको सारे लैपटॉप के नाम बता देता हूँ। पहला आता है एसोस का वीवो बुक अल्ट्रा K15, ठीक है। तो ये नया लैपटॉप है, ये सबसे सस्ता लैपटॉप है और उसका प्राइस है ₹42,990, मतलब 43,000 का लैपटॉप है। अगला जो आता है वो है एसोस का, यही है वीवो बुक का लेकिन वीवो बुक 15 और इसका प्राइस है 43,990। अगला आता है वीवो बुक 14, जो दोनों सिमिलर है, इनका मैं आगे जाके आपको बताऊंगा और इसका प्राइस आता है ₹59,990, मतलब 60,000 का लैपटॉप है। और जो सबसे महंगा लैपटॉप इन्होंने लॉन्च करा है वो है जेनबुक सीरीज का एसोस जेनबुक 14 इंच का इसमें स्क्रीन है, ठीक है। सब स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है ₹82,990, मतलब ₹83,000 से स्टार्ट हो जाता है। ये सारे मैंने स्टार्टिंग प्राइस बताए हैं लोएस्ट मॉडल के। इसमें आप जैसे वीवो बुक 14 में जाएंगे तो इसमें i3, i5, i7 अलग अलग वेरियंट्स है तो प्राइस इंक्रीज होते जाएंगे। मैंने लोएस्ट मॉडल के आपको प्राइस स्टार्टिंग प्राइस आपको बताए हैं। सो पहले बात कर लेते हैं जो इसका लोएस्ट मॉडल है वो है एसोस का वीवो बुक अल्ट्रा K15। इसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं i3, i5, i7। इंटेल के प्रोसेसर है, 11 जनरेशन के प्रोसेसर है, लेटेस्ट प्रोसेसर है। जो लोएस्ट मॉडल आता है इसमें i3 वाला, उसमें आपको मिलेगा UHD ग्राफिक्स और जो i5 वाला मॉडल है उसमें मिलेगा आपको इंटेल का आयरस XE और जो i7 वाला मॉडल है उसमें आपको मिलेगा एंट्री लेवल NVIDIA का MX330 GPU। तो मतलब ये गेमिंग लैपटॉप्स नहीं है, इसमें आप हल्की फुल्की गेमिंग कर पाएंगे लेकिन आप हार्ड कोर गेमिंग इस पर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने शुरू में ही कहा था स्टूडेंट्स और ऑफिस के लिए है, इसमें ज़्यादा गेमिंग आप नहीं कर सकते, गेमिंग लैपटॉप्स नहीं है। इसमें ज़्यादा ग्राफिक कार्ड्स अच्छे नहीं दिए गए हैं, ग्राफिक कार्ड के पैसे इन्होंने अपने लुक्स, स्क्रीन, बैटरी और इन सब चीज़ों में लगा दिए हैं। विंडोज 10 होम के साथ ये आएंगे, HD कैमरा है इसके अंदर, 15.6 इंच की इसमें स्क्रीन है, फुल HD LED बैकलिट डिस्प्ले है, 512 GB SSD के साथ ये आता है, 1 TB HDD वाला मॉडल भी इसमें अवेलेबल है, अप टू 8 GB रैम इसमें है और DDR4 रैम है, 3200 MHz पे ये बेस्ड है। कनेक्टिविटी की बात करें, डुअल बैंड वाईफाई 6 आपको इसमें मिलता है, ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, 1 USB 3.2 टाइप ए पोर्ट मिलता है, 1 USB 3.2 टाइप सी पोर्ट मिलता है, 2 आपको USB 2.0 पोर्ट मिलते हैं, 1 HDMI पोर्ट मिलता है, 1 हेडफोन जैक मिलता है एंड 1 कार्ड रीडर मिलता है, माइक्रो SD कार्ड रीडर इसमें आपको मिलता है। बैटरी की बात करें, इसमें आपको मिलती है 42 वाट आवर्स की बैटरी। तो ये सबसे सस्ते लैपटॉप की मैं बात कर रहा था, अब अपग्रेड करते हैं। अब इसमें जो अगले लैपटॉप आते हैं वो है एसोस का वीवो बुक 14 और 15, दोनों के सिमिलर है बस स्क्रीन साइज का डिफरेंस है। जो वीवो बुक 14 है वो 14 इंच की स्क्रीन के साथ आता है और जो वीवो बुक 15 है वो 15.6 इंच की स्क्रीन के साथ आता है। वीवो बुक 14 जो है वो i5 प्रोसेसर के साथ आता है और जो इसमें स्क्रीन है वो बता ही चुका, 14 इंच की फुल HD LED बैकलिट डिस्प्ले है। वीवो बुक 15 की बात करें, वीवो बुक 15 नहीं है, वीवो बुक अल्ट्रा 15, ऐसे ही वीवो बुक अल्ट्रा 14 में शॉर्ट में बोल रहा हूँ इसलिए कंफ्यूजन मत करना, असली नाम है इनका एसोस वीवो बुक अल्ट्रा 14, एसोस वीवो बुक अल्ट्रा 15। जो 15 वाला है वो अभी सेल में अवेलेबल है, वो है i5 के साथ आता है और i7 वेरिएंट्स के साथ आता है। तो वीवो बुक अल्ट्रा 15 है ये अभी सेल में अवेलेबल है, ये i3, i5 और i7 वेरिएंट के साथ बिक रहा है। इसमें आपको वही 15.6 इंच की स्क्रीन मिलती है, फुल HD LED बैकलिट डिस्प्ले है, HD कैमरा इस पे भी दिया गया है। दोनों ही वीवो बुक 14 और वीवो बुक 15 अप टू 8 GB रैम तक जाते हैं और 512 GB इसमें SSD दी गई है। कनेक्टिविटी की बात करें तो सेम वही पिछले वाले है कि डुअल बैंड वाईफाई 6 मिलता है, 1 आपको इसमें USB 3.2 टाइप ए पोर्ट मिलता है, 1 USB 3.2 टाइप सी पोर्ट मिलता है, 2 USB 2.0 पोर्ट मिलते हैं और 1 हेडफोन जैक मिलता है, 1 SD कार्ड रीडर मिलता है और 1 इसमें HDMI पोर्ट भी मिलता है। और जो इसमें खास बात आती है वो है इसमें सर्टिफाइड बाय हरमन कार्डन, मतलब हरमन के इसमें सपोर्ट दिया गया है जिससे आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। बैटरी की बात करें, 42 वाट आवर्स की इसमें भी
बैटरी वही मिलती है जो पिछले आपको अल्ट्राबुक K15 में मिल रही थी। और अब बात कर लेते हैं Asus का जो टॉप मॉडल इसमें लॉन्च हुआ, मतलब जो टॉप लैपटॉप लॉन्च हुआ है, वो है ZenBook सीरीज का Asus ZenBook 14, जिसका टॉप मॉडल है और जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है वो बता चुका हूँ, ₹82,990, मतलब 83,000 से ये स्टार्टिंग प्राइस इसकी है। इसकी डिजाइन की बात करें तो इसमें डायमंड कट एल्यूमिनियम अलॉय डिजाइन है इसमें आपको दिया गया है। वेट की बात करें 1.13 kg इसमें वेट दिया गया है, स्लिम है बहुत और हल्का भी वेट है इसमें। और आपको इसमें अर्गो लिफ्ट हिंज फीचर मिलता है जो इसमें आपको ऑडियो क्वालिटी और जो आपका टाइपिंग एक्सपीरियंस है और इसकी जो कूलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो जाती है। तो ये तीन चीज़ों के लिए इसमें अर्गो लिफ्ट हिंज डिज़ाइन दिया गया है, सपोर्ट दिया गया है, जो इसी वजह से इसका प्राइस अप हो जाता है, लुक्स अप हो जाते हैं। बैटरी की बात कर ले, इसमें खास बात इसकी बैटरी भी आती है, 67 watt hours की बैटरी है। और जो कंपनी क्लेम करती है वो है कि 21 hours तक की बैटरी इसमें मिलेगी, मतलब 21 घंटे तक आप इस लैपटॉप को चला पाएंगे। और इसमें जो चार्जर दिया गया है वो है 65 watt का, और उस चार्जर की खास बात यह है कि 49 मिनट्स में आपको 60% बैटरी मिल जाएगी, तो फास्ट चार्जिंग भी कह सकते हैं। और अगर एक बार चार्ज हो जाएगा तो 21 आवर्स की बैटरी मिलेगी, तो बैटरी भी ज़्यादा है, चार्जिंग भी फास्ट होता है, तो बिल्कुल ही पोर्टेबल लैपटॉप कह सकते हैं। और हल्का भी है, लाइट वेट भी है, मतलब एक ही बात होगी, मतलब पतला भी है और लाइट वेट भी है। स्क्रीन की बात करें 14 इंच की स्क्रीन इसमें मिलती है, जैसे मैं कह चुका हूँ पोर्टेबल है तो स्क्रीन भी छोटी मिलती है। 14 इंच की स्क्रीन मिलती है, IPS डिस्प्ले है, ठीक है, फुल HD आपको मिलता ही है, नैनो एज डिस्प्ले है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, 300 nits की ब्राइटनेस दी गई है। तो लुक्स, ब्राइटनेस, स्क्रीन, इन सब में तो ये लैपटॉप सबसे आगे निकल जाता है। कनेक्टिविटी की बात करें, ये इसमें कनेक्टिविटी के बिल्कुल अलग दिए गए पिछले लैपटॉप से, ठीक है ना। तो इसमें आपको मिलते हैं 2 Thunderbolt 4 के USB-C पोर्ट्स, 1 HDMI 2.0 पोर्ट है, 1 USB 3.2 टाइप ए पोर्ट है, डुअल बैंड Wi-Fi 6 मिलता है, माइक्रो SD कार्ड रीडर भी है, और ये i5 और i7 दोनों वेरियंट्स में अवेलेबल है, मतलब दोनों इंटेल के दोनों प्रोसेसर में अवेलेबल है, i5 और i7। ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें इंटेल का IRIS-XE ग्राफिक कार्ड भी दिया गया है, मतलब आप गेमिंग इसमें ज़्यादा अच्छी नहीं कर पाएंगे, गेमिंग लैपटॉप ये नहीं है, ठीक है ना, पहले बता चुका हूँ, गेमिंग लैपटॉप लॉन्च नहीं करे हैं Asus ने, तो इसमें ग्राफिक्स अच्छी नहीं है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है, नॉर्मल है, एंट्री लेवल कह सकते हैं। और इसमें अप टू 16 GB DDR4 RAM दी गई है और 512 GB की SSD दी गई है। तो यही थे सारे लैपटॉप्स, 4 लैपटॉप्स लॉन्च करे मैं आपको बता चुका हूँ एक एक करके, लोएस्ट से स्टार्टिंग करी थी, हाईएस्ट मॉडल भी आपको बता दिया है, और इन सब मॉडल की स्टार्टिंग प्राइस मैंने बताई है। अलग अलग वेरिएंट से प्राइस बढ़ते जाएंगे, i3 का मैंने प्राइस बता दिया, लाइक पहले लैपटॉप की बात करूँ वीवोबुक अल्ट्रा K15 जो i3 मॉडल के साथ आता है, उसका प्राइस है ₹42,990, मतलब 43,000 उसका प्राइस है। लेकिन जब उसका i5 और i7 मॉडल लेने जाएंगे तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ये सब अवेलेबल आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन और Asus के स्टोर्स पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, मैं ऐसे ही Asus के और बहुत सारे लैपटॉप्स के बारे में लेकर आ जाता हूँ। कोई न्यू लॉन्च होते हैं या कुछ ऑफर चल रहा होता है लैपटॉप्स के ऊपर, वो भी मैं लेकर आ जाता हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। एंड आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आ सकते हैं, लिंक आपको, मतलब आईडी आपको मिल रही होगी स्क्रीन पे, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई डाउट है तो। एंड नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना इन सब में से आपको सबसे बढ़िया लैपटॉप कौन सा लगा प्राइस के अकॉर्डिंग। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।